नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी कारें लेकर आए हैं जो साल 2019 में लॉन्च होगी। इन कारों की फीचर्स को लेकर साल 2018 में ही कई दावे किए गए थे, तो जानते हैं इन कारों के संभावित फीचर्स और कीमत के बारे में। टाटा हैरियर जनवरी 2019 में लॉन्च हुई थी और इसकी कीमत है 15 से 20 लाख रुपए। इस साल ऑटो एक्सपो में पेश करने के बाद कंपनी जनवरी 2019 की शुरुआत में अपनी टाटा हैरियर SUV लॉन्च करने जा रही है। टाटा मोटर्स अपनी इस गाड़ी में 2.0 लीटर कायरोटेक डीजल इंजन देगी और आपको बता दें, यही 2.0 लीटर मल्टी जेट इंजन फिएट की जीप कंपास SUV में दिया गया है। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस होगा। बात करते हैं टाटा H7X की। ये लॉन्च किया जाएगा 2019 के अंतर्गत और कीमत 15 से 20 लाख होगी। टाटा H7X को भारत में टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया। टाटा की ये कार 7 सीटर SUV होगी। हालांकि ये कार हैरियर की तरह ही ओमेगा अर्क प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जो फैमिली कार सेगमेंट से अलग जगह बनाई जाएगी। कार को लेकर फिलहाल कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि ये महिंद्रा SUV को चुनौती देगी। बात करते हैं मारुति वैगनार की। ये लॉन्च होगी फरवरी 2019 में। कीमत है 4 से 5 लाख रुपए। वैगनार करीब 20 साल से मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी हुई है, मगर समय के साथ कंपनी को इस कार को भी अपग्रेड करने की जरूरत महसूस हो रही है। वैगनार के बाद अब मारुति ने अपनी कई कारें लॉन्च की है। बलेनो, सियाजा, एस्टीम इनमें से प्रमुख है, लेकिन वैगनार अब भी मारुति की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार में से एक है। इसका फेसलिफ्ट मॉडल अगले साल मार्च तक मार्केट में आ सकता है। टोयोटा विटारा ब्रिजा। इस साल टोयोटा और मारुति सुजुकी ने एक दूसरे के साथ अपने मॉडल शेयर करने के लिए साझेदारी की थी। इसके तहत मारुति टोयोटा को बलेनो प्रीमियम हैचबैक और विटारा ब्रिजा देगी। टोयोटा इन कारों को अपने डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से बेचेगी। बदले में टोयोटा मारुति को करोला एटलिस डेना देगी, जिसे मारुति अपने डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से बेचेगी। विटारा ब्रिजा में 1.3 लीटर का DDIS डीजल इंजन लगा है। इसके अलावा विटारा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। 1 लीटर में ये 24.3 KMPL का माइलेज निकाल देती है। जबकि अपकमिंग सब 4 मीटर SUV का मुकाबला मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा से होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।